जी साहब, वेल्कम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? अब देखिए, आज का जो सेशन है डैट्स बेस्ड ऑन द कार्स विद द रेस ग्राउंड क्लियरेंस, जिसे अमूमन भारतीय कंज्यूमर्स या कार मैन्युफैक्चरर्स एसयूवी की परिभाषा में रख देते हैं। लेकिन चूंकि हर चमकता हुआ चीज जैसे सोना नहीं होता, तो साहब हर ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार एसयूवी नहीं होती। कहने को तो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो को भी एसयूवी के कैटेगरी में रखती है। वो कंपनी की बात है। एक कस्टमर ने भी, एक यूजर ने कमेंट लिखा था कि उसके रिलेटिव कोई एसयूवी लेके आए तो पूछे, बहुत बढ़िया, कौन सी एसयूवी है? तो उन्होंने बोल दिया, भाई मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। तो वो अलग बात है, कंज्यूमर साइकिक है, ऑल्दो ही हैज बॉट अ न्यू कार, अच्छी बात है, लेकिन एसयूवी की परिभाषा अब ऐसी हो गई है। खैर, आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ टॉप 5 कार्स इन द बजट प्राइस रेंज ऑफ 7 to 8 lakh रुपीज, जो आपको ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अवेलेबल होंगी और अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशन पे इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में है। ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार की एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो फैक्ट भी है। एसयूवी तो खैर बात की बात है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इन कार्स की, वो ये है कि इंग्रेस और ईग्रेस, चढ़ना और उतरना काफी आसान हो जाता है इन कार्स में। परिवार के जो सीनियर मेंबर्स हैं, दे वुड बी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ इजी इंग्रेस ईग्रेस। और कॉम्पैक्ट कार होती है तो सिटी में चलाने में आसान है, अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे है। तो वो कौन सी कार, सब बता रहा हूँ। पहली कार मेरी लिस्ट पे है मारुति सुजुकी की 4 सिलेंडर इंजन में इग्निस डेल्टा। अब डेल्टा की खास बात जान लीजिए, करीब 7 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली की प्राइस इसकी है, 6,38,000 कार का एक शोरूम प्राइस है। कार की जो खास बात है ये है कि इस कार के अंदर मारुति सुजुकी का सिग्नेचर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी रिफाइनमेंट, इंजन की नॉइस वाइब्रेशन बहुत बहुत सुपीरियर है। चलाने में इजी हैंडलिंग है। इस कार में सेफ्टी फीचर्स पहले से अपग्रेड हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट अब आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। शहर में आप चलाएंगे 4 लोगों के हिसाब से कंफर्टेबल है। सस्पेंशन हालांकि थोड़ा सा स्टिफ साइड पर आपको महसूस होगा, बट स्टिल इट्स नॉट समथिंग कि आपको ज्यादा उसमें गड्ढे महसूस हो। तो ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार में रहता है कि आप जब ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, आपकी ऑलराउंड विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। और कार के जो फीचर लिस्ट है वो अब आप देख सकते हैं, आपको ऑल नेसेसरी फीचर्स कार में मिलेंगे। ABS, एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉक, म्यूजिक सिस्टम भी आपको अवेलेबल होगा। और क्या चाहिए, 15 इंच के व्हील्स हैं, वो भी एक बात है। आई थिंक अ वेरी प्रैक्टिकल कार, यू कैन लुक आउट फॉर मारुति सुजुकी इग्निस डेल्टा। जो दूसरी कार है बॉस, वो इसी की कॉम्पिटिशन में है, टाटा मोटर्स की पंच प्योर एडिशन। अगेन सेम प्राइस जोन में है, 7 लाख रुपीज की। इसके और भी वेरियंट्स आते हैं, एडवेंचर आता है और एडवेंचर रिदम आता है, अकम्पलिश आता है। तो वो आप देख सकते हैं, आपका अगर बजट ज़्यादा है, यू वॉन्ट टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मोर फीचर्स, लेकिन पंच प्योर रिदम की अच्छी बात यह है, अ वेरी प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस कार ऑफरिंग 5-star बिल्ड क्वालिटी। पहले के मुकाबले जो इंजन, जब टाटा मोटर्स ने पंच को लॉन्च किया था, उस टाइम में इंजन की वाइब्रेशंस पर रिलेटिवली ऑन अ हायर नोट, लेकिन भारत स्टेज 6 Phase 2 से जब से टाटा मोटर्स के इंजन अपग्रेड हुए हैं, इंजन का जो शोर है, जो वाइब्रेशंस है, पहले के मुकाबले और कम हो गई है, कंट्रोल हो गई है, चलाने में ठीक ठाक है। दिस इंजन आप ये जान लीजिए 3 सिलेंडर है, लेकिन क्योंकि पंच थोड़ी सी हैवियर कार है तो पिकअप आपको एक्सेप्टेबल मिलेगा। इट वॉन्ट बी एज क्विक एज इग्निस, लेकिन फिर भी पंच की जो USP है वो इसकी स्टाइलिंग, इसकी डिजाइन लैंग्वेज, इसकी 5-star बिल्ड क्वालिटी। और बस रियर सीट में अगर आप परिवार के सीनियर मेंबर्स को बिठाते हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लेगरूम, इन टर्म्स ऑफ इग्रेस, इन टर्म्स ऑफ इग्रेस, आपके परिवार के मेंबर बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल महसूस होंगे। जैसे अगर कोई मारुति सुजुकी वैगनार में बैठता है ना, तो वो बड़ा प्यार हो जाता है बैठने के हिसाब से, कि चढ़ना आसान है, उतरना आसान है, लेकिन उसकी सेफ्टी में एक बात है। उसके लिए आप टाटा मोटर्स की पंच को देख सकते हैं। आई थिंक इम्प्रेसिव कार है डिज़ाइन के मामले में, चलाने के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, और मात्र 7 लाख रुपए में अवेलेबल है पंच प्योर रिदम। ऑल नेसेसरी आपको फीचर्स मिलेंगे, अगेन पावर स्टीयरिंग, आपको फ्रंट की पावर विंडो मिलेंगी, और आपको म्यूजिक सिस्टम भी इसमें अवेलेबल होगा, ABS है, एयरबैग्स है। इट्स ए गुड कार सो एज टू ओन इन टर्म्स ऑफ बजट प्राइस। तो वो दूसरी कार है। तीसरी कार बॉस अपकमिंग है,
इस पे निगाह आपकी होगी। अभी अगले महीने लॉन्च हो रही है होंडा इंडिया की एक्सटर, और एक्सटर में अगेन सिग्नेचर आस्पेक्ट रहेगा इस कार के अंदर। एक्चुअली हुंडई ने ऐसा लगता है कि बड़ा समझ के मार्केट को इस कार को इंट्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि एक तो कार में 1200 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसकी अगेन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी होगी, और सेफ्टी के मामले में हुंडई एक्सटर में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर स्टैंडर्ड अवेलेबल होंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और तीसरी बात, कंज्यूमर्स जो चाहते हैं लोअर रनिंग कॉस्ट के हिसाब से, उनको सीएनजी का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। मैनुअल में आएगी, एएमटी में आएगी, और मैनुअल सीएनजी में अवेलेबल होगी। अब आपके बजट के ऊपर है, ये कार का जो बेसिक मॉडल होगा वो करीब 7 लाख रुपए से आसपास होगा, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स, ESP, AC, पावर स्टेयरिंग, फ्रंट की पावर विंडो आपको अवेलेबल होगी। और अगर उसके ऊपर वेरियंट में जाएंगे तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा और रिमोट सेंटर लॉक हो जाएगा, वो 50-60 हज़ार रुपये महंगी होगी। तो 7 लाख रुपये ऑन रोड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुंडई एक्सटर का बेस मॉडल, ऑन रोड के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्सशोरूम करीब 6-25, 6-40 के आसपास एक्सटर का होना चाहिए। चौथी कार, अब चूंकि कई लोग चाहते हैं कि भाई मैं सेफ्टी में, मुझे बिल्ड क्वालिटी कार की अच्छी चाहिए, तो मैंने जैसे टाटा मोटर्स की पंच बताई, उसी प्रकार टाटा मोटर्स का टियागो का एनआरजी एडिशन भी अवेलेबल है। और एनआरजी एडिशन में अच्छी बात यह है, बाय स्पेंडिंग क्लोज टू अराउंड 8 लाख रुपीस ऑन रोड, आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। करीब 180 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस है, और स्टाइलिंग के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से 4-star सेफ्टी रेट कार है, सारे नेसेसरी फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। एंड टाटा मोटर्स ने जिस हिसाब से रेवोल्यूशनाइज किया है सेगमेंट में, बिल्ड के हिसाब से, ऑफरिंग फीचर्स एंड कॉम्पिटेटिव प्राइस, आई थिंक टियागो एनआरजी को आप लोग देख सकते हैं। और नंबर 5 सर, आपको दो कार्स बता रहा हूँ जो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सीबल है, 8.5-9 लाख रुपीज, यू कैन गो आउट फॉर टाटा मोटर्स नेक्सॉन एक्सी या मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi। आई थिंक बोथ कार्स आर वेरी इम्प्रेसिव, आप उन कार्स को देखिए, प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV की कार्स हैं। मारुति ब्रेजा की हाईलाइट है 1500 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और टाटा मोटर्स नेक्सॉन एक्सी की हाईलाइट है टाटा मोटर्स का सिग्नेचर 1200 सीसी का टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। आई थिंक दीज आर द टू कार्स यू कैन कीप अ क्लोज आई, पॉसिबली आपको अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करेंगे, सेफ्टी में भी अच्छी है, 4-star और 5-star रेटेड कार्स हैं। नेक्सॉन एक्सी करीब 8.5 लाख रुपये ऑन रोड आपको अवेलेबल होगी, और ब्रेजा LXi करीब 9 लाख रुपये आपको ऑन रोड अवेलेबल होगी, डिपेंडिंग ऑन प्राइस टू प्राइस। कार के प्राइस आपको चेक करने हैं तो आप www.pikerhelpline.com में आके चेक कर सकते हैं। एंड सर्टेनली आप अपने बजट के हिसाब से, ये मैंने आपको कार्स बताई, इन कार्स पे आप निगाह रखेंगे तो ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ सर्टेनली आपको एक अच्छे वैल्यू प्राइस पॉइंट पे ये कार्स अवेलेबल होंगी, एंड पॉसिबली कैन कीप आप इन कार्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था, क्योंकि हर ऊंची कार SUV नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो साहब इन कार्स को टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर करिए, पॉसिबली ऐसा ना हो कि आप उन कार्स को मिस कर जाएं। दैट इज़ द बेयर बेसिक, जो भी कार कंसीडर कर रहे हैं, हैविंग अ टेस्ट ड्राइव इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो इन कार्स के बारे में आपकी जानकारी चाहिए, www.mycarhelpline.com में विजिट कर सकते हैं। और आपको दोबारा एक चीज़ और बता रहा हूँ, कम्युनिटी ग्रुप्स हमने पहले बनाए थे, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स ने अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, दे हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बीच में उसको हॉल्ट कर दिया था, द ग्रुप्स वर ऑलमोस्ट फुल। अब मोस्टली उसमें ओनर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत बायर्स भी रह गए जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं या टू डिसाइड ऑन डिफरेंट कार्स। तो वो माइकर हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स दोबारा रीओपन कर रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द कार यू प्लानिंग टू बाय, यू कैन सेंड हाय ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, और फिर ऑटोमेट प्रोसेस होगा, वो आपको ज्वाइन करवाएगा। या कोई 1-to-1 प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं। और माइकर हेल्पलाइन की एक सिग्नेचर सुविधा है माइकर हेल्पलाइन गोल्ड सपोर्ट, बॉस इसमें आर कोर टीम इंक्लूडिंग मायसेल्फ वुड बी ऑल देयर विद यू, सो एज टू हैव यू हैविंग अ एनरिच्ड कार बाइंग एक्सपीरियंस। गोल्ड लेवल सपोर्ट है,
तो उसमें पर्सनलाइज 1-to-1 आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेशन रहेगा। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं इफ इन केस यू प्लानिंग टू बाय अ नेक्स्ट यू कार। आई थिंक एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपको पसंद आएगी। काफी सारे लोग इसको अवेल कर चुके हैं, दे आर प्रीटी हैप्पी विद दिस सर्विस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस यस, अफोर्ड इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।